हेलो फ्रेंड्स, मैं कृपाली आप सभी का तरल तरल के किचन में स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको एक रोटी बनाना सिखाऊंगी जिसका नाम है मूली ज्वार की रोटी। तो रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ज्वार का आटा, पीसी हुई मूली, अदरक लहसुन की पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और तेल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गर्म पानी की मदद से हम इसका नरम आटा गूंध लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा नरम आटा गूंद के तैयार है। तो चलो अभी हम रोटी बेलना शुरू करते हैं। मैंने आटे को 6 भाग में बांट लिया है, तो चलो अभी हम रोलिंग शुरू करते हैं। ये ज्वार का आटा है इसलिए मैं इसको प्लास्टिक की शीट पे बेलूंगी। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लेंगे ताकि रोल करने में आसानी हो। आटे का एक भाग लेंगे, उसको रखेंगे। अभी हम दूसरी प्लास्टिक शीट को भी थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। अभी हम ग्रीस की हुई साइड को पलटा के आटे के गोले पे रख देंगे और इसे बेलना शुरू करेंगे। आप इसे हल्के हाथों से बेलिए और गोल बनाने के लिए प्लास्टिक को ही घुमाइए। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने प्लास्टिक को तेल से ग्रीस किया है, इसके लिए रोल करने के लिए अपने को आटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी रोटी बेल के तैयार है। आप इसे 4 इंच तक ही बेलिए, ज़्यादा बड़ा करने जाएंगे तो रोटी फट जाएगी। तो चलो अभी हम इसे सेक लेते हैं। अभी हम कवर की हुई प्लास्टिक शीट को निकाल लेंगे, उसमें से रोटी को ऐसे हाथ पे ले लेंगे और तवे पे डाल देंगे। अभी हम रोटी को पलटा देंगे। आप देख सकते हैं ये एक साइड से थोड़ी सी कुक हो गई है। हम इसे दूसरी साइड भी पका लेंगे। थोड़ा सा तेल लगाएंगे। अभी हम फिर से इसको पलटा लेंगे। दूसरी साइड भी हम थोड़ा सा तेल लेके उसको ग्रीस कर देंगे पकाने के लिए। आप देख सकते हैं रोटी अच्छे से पक गई है। फ्लैट लेडल की मदद से आप रोटी को अच्छे से प्रेस करते रहिए ताकि वो अंदर से भी अच्छी तरीके से कुक हो जाए। जैसे कि आपको पता है, ये रोटी में हमने ज्वार का आटा लिया है तो उसे पकने को थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारी रोटी तैयार हो गई है और इसी तरीके से हम बाकी की रोटियाँ भी बना लेंगे। गर्मा गर्म मूली ज्वार की रोटी तैयार है, दही के साथ खाइए। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि ये रोटी में मैंने गेहूं के आटे के बजाय ज्वार का आटा यूज़ किया है, तो इसीलिए आप ये रोटी ग्लूटेन फ्री डाइट में भी ऐड कर सकते हैं। तो झटपट अपने किचन में जाइए, अपने सभी फैमिली वालों के लिए बनाइए और उनको खिलाइए। और हाँ, आपके कमेंट हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। डाउनलोड द तरला दलाल ऐप on your Apple and Android devices. Follow us on the Facebook at tarladalal.com. If you enjoy our recipes, click like. To see more of my recipes, click here. Please share your comments. I would love to hear them. I'm waiting for them.